मैं जहाँ से भी शुरू करूँगा, क्योंकि कल एक व्याख्यान होगा, वो तो सभा में 19 बार प्रवचन किया, मुझे ऑब्जेक्शन है, नाराजी है, 19 बार क्यों किया, 21 बार करना चाहिए था। अपन तो 21 काम करते हैं ना, ये काम 19 क्यों रहने देंगे, 19 समझते हैं, हिंदी वाले तो समझते ही होंगे कि 19 का क्या अर्थ होता है कमल जी, और 21 का क्या अर्थ होता है ना, तो 19 नहीं रहना चाहिए। अरे गुरुदेव ने 19 बार नहीं किए, उनने तो आजीवन करने की प्रतिज्ञा की थी, अब वे 19 बार हो पाए जीवन में तो 19, और 21 बार होते तो 21 क्यों, यानी उनकी इच्छा ये थी कि समय सार का प्रवचन स्वाध्याय होते रहना चाहिए। पूज गुरुदेव जी के 19 बार के अपने पास उपलब्ध हैं और उपलब्ध हैं, तो हमारा वो स्वाध्याय निरंतर चलता रहे, और आपने ये व्यवस्था की है इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी देखिए समय सार निकाला तो 315 पेज, 75 तक अपन करते थे, 76, 77 और 78 तीन कलश मुझे अभी यहाँ पर करना है। देखो पढ़ते हैं इस शब्द को, भैया आज आज तुमने क्यों नहीं पढ़ा, अरे पढ़ो पढ़ो, अब तो बीच पढ़ना है तो वो तो सुन लो, अब ध्यान से सुनना, कम से कम अंत के तीन छंद हिंदी में हैं, आप सबकी समझ में आएंगे, ध्यान से सुनना, चलो पढ़ो। निर्मल सदा अपति पक्षी के अचल चेतना रूप में मग्न रहे स्वयं परिपूर्ण आनंदमय अर अद्भुत उद्यो सदा उदित चहुओं से अमृतचंद जो गत काल में अज्ञान से एकत्व पर। आप याद करो जब समय सार के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य देव ने मंगलाचरण किया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी परिणति जो मैली हो गई है, मैं चाहता हूँ कि समय सार की आत्मख्याति नामक टीका लिखने से मेरी वह परिणति निर्मल हो जाए। तीसरा छंद बताओ, ये तीसरा छंद है, ये उल्टा तीसरा अभी पढ़ रहे थे, पीछे से तीसरा था, ये शुरू से तीसरा, वहाँ से मिला उसकी संगति जहाँ से हमने शुरू की थी। बोलो पढ़ो, अरे शांति रहने, करीब 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाए तो हो जान देना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, जो बात कहना है कह लेन देना। हाँ बोल पढ़ो, हाँ हाँ हिंदी पढ़ो, क्या हिंदी वाला सुना सर नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास गुजराती में एक कमी है कि कलशों का पद्यानुवाद नहीं है, लेकिन एक बात की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, यहाँ जो रजनी भाई बैठे हैं ये अमेरिका वासी हैं, इन्होंने पद्यानुवाद किया है गुजराती में, जब समय सार विश्लेषण का हमने किया था तब इन्होंने किया था, और ये खुद गाते भी बहुत अच्छा है। पहले तुम सुना दो फिर मैं इनसे भी तीसरा कलश सुनूंगा, सोच लो जब तक। यद्यपि तो शुद्ध मात चैतन्य मूर्ति हूँ फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से
परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। बोलो पढ़ो पढ़ो रवि भाई। अच्छा इनने खुद ही लिखा है ना, अब याद नहीं है तो फिर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मात्र शुद्ध जहूं मूर्ति परंतु में उनने ये कही थी कि मेरी परिणति मेली हो गई। कैसे मेली हो गई? कि मोह के उदय से। तुम्हें कौन सा मोह का उदय आया? ना स्त्री, ना बाल, ना बच्चा, ना मकान, ना जायदाद, ना रुपया, ना पैसा, ना तन पे वस्त्र। तुम्हारी परिणति कैसे मेली हो गई? कहते समय सार की टीका लिखने का जो भाव हुआ उससे मेरी ये चारित्र मोह का उदय है ना, ये स्वभाव, इससे मेरी परिणति थोड़ी सी मैली हो गई है। अब कैसे क्या कार्य के मतलब कि मैं चाहता हूं कि इसी के लिखने से जो मेरे परिणामों में विशुद्धि हो उस विशुद्धि से ये मैली परिणति ठीक हो जाए। अब ये तो यहां कहा, अब जो अपन कर चला रहे उसमें कह रहा है कि मेरी जो ऐसी आशा रखी थी ना, जब मैंने ऐसी कल्पना की थी, ऐसी मांगनी की थी, वो आज मेरी पूरी हो गई। अपड़ कौन सी 77वां 277वां एक पर से जब हुआ फल रूप में रस राग करतत पर में तब हुआ उस पिया फल को भोगती अनुभूति मेली हो गई किंतु अब सज ज्ञान से कितनी संगति बैठा ली है। आप देखो वो संगति बैठा था, देखने वाला चाहिए, कोई देखेगा नहीं तो अमृत चंद्राचार्य का तत्व तो गया सो गया, उनकी जो कला है काव्य कला उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो भी ऐसी चली गई। अरे कविता पे तो लोग ताली पीटते हैं। देखो क्या कह रहे, देखो गत काल में अज्ञान से, इससे की एक ही मात्रा गायब थी तो 5 दिन तक आप लोग पढ़ते रहे, सहसा पढ़ते रहे। मैंने कहा देख कोई सुधारेगा, कोई पूछेगा, कि अकेला सा तो होता ही नहीं है। फिर मैंने इसे बताया कि भैया वो सा में एक ही मात्रा लगा देना, समझे ना, इसमें वो दूसरी जो किताब है उसमें एक ही मात्रा गायब है। एक ही मात्रा क्या होता है कि छपते छपते टूट जाती है, तो किसी किताब में गायब हो जाती है और किसी में नहीं। जब टूटने के पहले जितने पेज छप गए वो उसमें ठीक रहता है, और टूटने के बाद जितने पेज छपते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। ऐसा होता है छपाई में। देखो गत काल में अज्ञान से, अभी तो वो ज्ञान अवस्था में सम्य दृष्टि धर्मात्मा है, तो वो अपनी पुरानी बात याद कर रहे। ऐसा भी कह सकते आजकल जो अज्ञानियों में ऐसा है, हम ज्ञानियों में ऐसा नहीं है,
माने काल को एक कर देते और व्यक्ति दो कर देते, समझ नहीं। उनने व्यक्ति रखा एक और काल कर दिए दो, अध्यात्म समझ में आया कि नहीं। गत काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ पर से एकत्व हो गया था, मन अपने आत्मा में से एकत्व था नहीं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देह शरीर राग देश मोह जितने भी पर पदार्थ हैं 29 प्रकार के भाव, वर्णादि और रागादि भाव, वर्णाद्यावा मोह रागवादयोवा, ये इन सबसे एकत्व हुआ था, इसका नाम अज्ञान, और किसी का नाम नहीं। मैंने ये मान लिया कि ये रूमाल मैं हूं कि मेरा है, पर इसका नाम अज्ञान। तो किसका है, कोई का चुरा के लाए हो, नहीं है तो मेरे ही, लेकिन व्यवहार से है, वास्तव में नहीं है, ये जुदा द्रव्य है। देखो कहते काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ, इसका क्या अर्थ करूं मैं, अर्थ करने को कुछ है, बिल्कुल सीधी सरल है ना। गत काल में मन कब हुआ, कैसे हुआ, अज्ञान से हुआ, क्या हुआ, एकत्व किससे, पर से। चार प्रश्न के उत्तर हैं। गत काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ फल रूप में रस राग अर कर तत्व पर से तब हुआ एकत्व ममत हुआ। उसका फल में क्या हुआ, उसका रग रास लिया मैंने, उसे भोगा और उसका कर्तृत्व हुआ। तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये 144 गाथा हो गई, जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इतने 144 गाथा आ गई इस दो लाइन में, आएंगे नहीं। देखो फिर ध्यान से सुनना, इसमें से आपको सीधा अर्थ समझ में आना चाहिए। गत काल में अज्ञान से एकत्व पर में जब हुआ फल रूप में रग रस राग अरे करते तो पर से तब हुआ, तो एकत्व तो करते तो भोगते तो पर पदार्थों से हो गया, उस क्रिया पल को भोगती अनुभूति मैली हो गई। अनुभूति मैली हो गई, अनुभूति कैसे, जो कुर्ता मैला होता है ना, तो अनुभूति मैली हुई, तो अनुभूति कैसे मैली हुई, कौन सा मैल चढ़ा उस पर, कि वो जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व था पर पदार्थों में, उसके क्रिया फल में उसका जो फल मिला उससे अनुभोगती, उस क्रिया फल को भोगती अनुभूति मैली हो गई, कितना साफ है ना। अब ये तो तीन लेन में पुरानी बात है, हम रतनाचार्य कहते किसी के भेरी, हम दूसरे की बात नहीं करते। किंतु अब क्या हुआ, पूरा समय सार हो गया, तब तुमने क्या भावना भाई थी कि मेरी भी मैली अनुभूति है, उसका मैल जरा थोड़ा धुल जाए, यही चाहता ना। किंतु अब सद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई, वो सारी मलिनता भाग गई। ये समय सार का पहले से अंत तक क्या क्या हुआ, ये जो मैंने किया, तो हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए ना। जहां भी जो खड़ा हो, उनने तो वहां से बात ले ली जहां वो अनुभूति मैली थी, अज्ञान अवस्था में थी, मिथ्यात्व अवस्था में थी, और वहां से ले ली कि नहीं पूरी निर्मल हो गई, आगे तक की ले ली, इन्हें तो अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, वो होगा वो भी उनने शामिल कर लिया। क्या ये समय सार का फल है, ये समय सार के स्वाध्याय का फल है। क्या
कि ये काम ऐसे ऐसे हो गया है कि किसने किया। अगला छंद, ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, क्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी, निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र सी आचार्य का इस आत्मख्याति में परे कुछ भी नहीं करता। उन्हें ऐसा किया, मैंने ठीक आकर ही ऐसी वैसे बातें कर रहे थे ना, और करते करते ये कहने के क्या, ये तो औपचारिक बातें हैं, अंत में की जाती है ना पधार जो, सचमुच बुलाना है तो बताओ कौन सी तारीख कौन है। सोचेंगे सोचेंगे तो काय को बोल रहे पधार जो, वो तो ऐसे कहा जाता है हमारे गुजरात में रिवाज है, नहीं हमारे मारवाड़ में नहीं है, है तो अगले हमारे यहाँ नहीं है, पधार दो पधार दो पधार दो हैं ना, कब कहाँ काय के लिए कैसे जाना, वो किसी कोई लेना देना नहीं है, क्यों तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे, कहीं कहीं नहीं गए तो मिल जाएंगे हैं। क्या बोलते हैं ऐसा औपचारिक नहीं लगता है कि भैया ये तो शब्दों ने बनाई है, ये क्या कह रहा मानो आपको कि ये मैंने नहीं बनाई ये किताब, ये टीका लिखी जो आत्मख्याति वो अमृतचंद कहते मैंने नहीं लिखी है, शब्दों ने लिखी है। और वो कहते हैं कि उन शब्दों में ये ताकत है, स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वी, कि उनमें वस्तु के तत्व का प्रतिपादन करने की शक्ति उन शब्दों में अपने आप है, स्वयं से ही वो शक्ति, वो शक्ति किसी ने उसमें डाली नहीं है, हम में नहीं है वो शक्ति, वो शब्दों में वो शक्ति है। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वी, अपनी शक्ति से सूचित किया है वस्तु के तत्व को जिसने, अपन हिंदी में पढ़ रहे थे ना कि ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, कितना है ना एकदम स्पष्ट। इस पद्यानुवाद की विशेषता ये है कि गद्य में समझ में नहीं आया, हमने जो गद्य लिखा उसमें आपको समझ में नहीं आया, लेकिन पद्य में समझ में आएगा। और संस्कृत का देखो बहुत कठिन है, अच्छे अच्छे पंडित उनका अर्थ नहीं कर सकते, हम भी नहीं घबराना नहीं, हमने भी जब किया तो 10 जगह देखा कि वो क्या लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वो क्या, अनुशीलन पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा कि उनने ये कहा, राजमल जी ने ये किया, सबका देखा है हमने, अच्छा सबकी नकल मारी है, हम क्या करें, हमारे बाप दादे सब नकलची थे तो हम नहीं करेंगे। कौन कौन से बाप दादे थे नकलची, कौन जयंती भाई, महावीर, पार्शनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ, ये सब नकलची तो थे ही, जो आदिनाथ ने कहा वही का वही अक्षर टू अक्षर अजितनाथ ने कहा, और वही महावीर ने कहा, बोलो कोई फर्क है एक अक्षर का, ऐसे नकलची की बात करोगे तो उनने भी वही किया हमने भी वही किया। अरे ये गौरव की बात है कि हमारी हर बात आगम से मिलती हुई है, जितना आगम उपलब्ध था पहले उसे हमने देखा, गहराई से अंदर यहाँ उतारा और फिर यहाँ से उतारा, उसमें से ऐसा सीधा नहीं उतारा। क्या ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, ये तो कॉमन सिद्धांत हुआ कि शब्द करते हैं ये कॉमन बात है, अब ये इस पे घटित करते हैं, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी, उन जो शब्द और भाषा में करते हैं और बातों को उन्हीं ने
ये समय व्याख्या की, वो तो आत्मख्याति लिखी थी ना कि समय व्याख्या माने आत्मख्याति, समय माने आत्मा, व्याख्या माने ख्याति। देखो टीका के नाम आत्मख्याति, तात्पर्य वृत्ति, तत्व प्रदीपिका है ना, ऐसे नाम। अरे संस्कृत साहित्य में भी हैं, भामती, मनोरमा, ऐसी टीकाएं भी बहुत हैं। एक कवि था बहुत बड़ा महाकवि, ज़्यादा समय नहीं लूँगा बहन, घबराना नहीं। वैसे तो आप पढ़ी लिखी हो, आपकी समझ में कैसे नहीं आता है, ये लोग गलत रिपोर्ट देते हैं आपकी, आपको ज़्यादा समझ में आता है इन लोगों से, ये खुद का अज्ञान आपके माथे थोपते हैं, माता बहनों को समझ में नहीं आता। कौन कहता नहीं आता, हम में जो कह रहा हूँ जो समझ में आता कि नहीं आता। एक बहुत बड़ा लेखक था, टीकाकार था, अध्यात्म का टीकाकार था, तो वो सारी किताब उसने लिख ली, अभी तक उसने किताब का नाम नहीं रखा था। और जब किताब ख़त्म हो गई रात के 12 बजे, तो ऐसा माथा रख करके सोचने लग गया क्या नाम रखूं, समझ गया ना। ऐसा चेहरा उठाया तो एक औरत सामने खड़ी थी, एक औरत सामने खड़ी थी कि तुम कौन हो, रात के 12 बजे यहाँ क्यों, हैं मैं कौन हूँ, कहाँ तुम हो कौन, मैं आपकी पत्नी, मेरी शादी हो गई, ये सच्ची घटना लिखी है साथ में, शादी हो गई कि हाँ कैसी बात है, 4 साल हो गए, मैं 4 साल से आपके साथ हूँ, रोजी ना आपकी सारी व्यवस्था तो मैं ही करती हूँ, ये पानी पीने कौन देता है तुम्हें, जब तुम्हें प्यास लगती है और जब तुम घड़े की तरफ देखते हो तो हाथ में पानी लिए का गिलास लिए कौन मिलता है, दिख कौन दिखता है, मैं तुम्हारी पत्नी। अच्छा तो तुम्हें शादी हो गई, तो तुम मेरी पत्नी है, क्या नाम है तेरा। तो उसने जवाब दिया भामती, क्या नाम है, भामती। तो उसने उस टीका का नाम रख दिया भामती। ऐसे भी नाम है जो अपनी औरतों के नाम पे लिखे हैं, उनके भी बहुत गीत गाए जाते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं करता, इसने अपनी औरत के नाम पे लिख दिया, उसकी कोई निंदा नहीं करता, प्रशंसा करते हैं, क्यों कि ऐसी तपस्विनी पत्नी कि पति की साहित्य साधना में जिसने रंज मातुनी विघ्न नहीं किया और उनका काम पूरा शांति से हो जाने दिया, और उसने कोई आग्रह नहीं किया था कि तुम इस अपनी किताब का नाम भामती रखो, इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। अब उसके बाद हमारे एक जैन पंडित हुए, नाम नहीं बताऊंगा, अब तो स्वर्गवास हो गया बेचारों का, उनने छोटी छोटी किताबें लिखी, बाल बोध पाठ मारा जैसे छोटी छोटी छोटी, और उनका नाम मनोरमा, फलानी रमा, ऐसी उन टीकाओं के नाम लिखे। मैंने कहा पंडित जी आपने ये नाम क्यों रखे, कोई भामती है क्या। बोले नहीं, ये तीन लड़कियां हैं ना, एक मनोरमा, एक सल्ला, एक सल्ला टीका हो गई, एक मनोरमा टीका, ये धर्म की किताब लिख रहा है धर्म के पंडित, यहाँ भी सल्ला और मनोरमा आ रही है, अभी हैं वो किताबें, घबराना नहीं। मेरे कहने का मतलब पत्नी का नाम रखे तो भी बहुत महान, और लड़की का रखे तो भी महान नहीं, सवाल यह है उसका राग किस तरह से कितना जुड़ा है। तो आत्मख्याति का नाम रखा है, क्यों रखा है, ये इसका क्या मतलब है, पहले ये भी सोचना चाहिए कि आत्मख्याति, आत्मा की ख्याति माने प्रसिद्धि है। तो ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि माने कि सारी दुनिया मेरा नाम जाने के मैं पंडित हुकुमचंद हूँ। सब आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बोलते नहीं बोलते, यानी हमें सारी दुनिया जाने, उसे हम आत्म प्रसिद्धि कहते हैं। आत्मा माने मुझे और दुनिया जाने,
कि भैया इसका नाम आत्मख्याति नहीं है, तो कुछ का नाम है कि मैं अपने को जानूं, मैं दूसरे मुझे नहीं जाने, मैं दूसरों को नहीं जानूं। अब हम मैं दूसरे को जानते कि दूसरे मुझे जानते, इस पे लड़ रहे। वो तो कह रहे आत्मख्याति, अपनी आत्मा अपने को जाने उसका नाम आत्मख्याति। मैं इस टीका के माध्यम से अपना आत्मा कैसे जानना ये बताऊंगा, इसलिए उनका नाम रखा उनने आत्मख्याति। तीन चार जगह आया है इस टीका में आत्मख्याति ये शब्द, कि आत्मख्याति का कहाँ कहाँ आया वो भी मैं बता सकता हूँ जैसे उन्होंने रखा। तो कहते इस आत्मख्याति नामक टीका को मैंने जो बनाई ऐसा लोग कहते हैं, तो उनसे कहते हैं वो आचार्य कि ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। इसको वे मोह में, वो प्रवचन सार में मुझे मालूम है, प्रवचन सार में भी अंत में ऐसा ही छंद है, तो उसमें तो उन्होंने डांटा है कि तुम ऐसा कह करके मेरे मुँह में मत नाचो, तुम मेरे मुरे से राग करते हो ना, इसलिए तुम मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई, ये सफ़ेद झूठ है। तो किसने बनाई? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो पढ़नो तनु को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये किसने लिखा? पंडित टोडरमल ने। जब गुण साठ की टीका पूरी करी तो उन्होंने लिखा कि किसने बनाई है, तो उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला कि बस सच्ची बात ऐसे इसमें ज्ञान मेरा उपयोग लगा था, जब ये बनी थी तब मेरा उपयोग इसमें लग रहा था और मुझे इसे लिखने का राग आ रहा था, दो काम मेरे में हो रहे थे, तो ज्ञान और राग ये दो तो मेरे मिले हैं। और करना धरना कि तनु को भिलो, ये हाथ पे हाथों का हुआ, इनने उठा उठा के ऐसे रख किया, हाथ मैं थोड़ी हूँ, मेरे थोड़ी हैं, ये तो अलग है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ना। तो ज्ञान राग तो मेरो मिले और करनो धरनो तनु को शरीर का मिला, लेकिन शरीर ने भी कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे हाथ करे। कागज ऐसा एक कागज था और इधर एक दवात रखी थी, दवात जानते हो, मसी मसी मन स्याही रखने की दवात, समझ गए, कागज और मसी स्याही, और उस स्याही कलम के माध्यम से उस कागज पर ऐसे 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 फिरती गई और वो अक्षर बनते गए। कागज मसी अक्षर आकार, मिलिया अर्थ प्रकाशन हार, इन सब ने मिल करके ये इसी का बनाई। बोलो उन्हें और कच्चा चट्टा खोल दिया। मेरा तो अकेला ज्ञान और राग मिला। कहते लोग क्यों कहते हैं टोड़े मन नहीं टोड़े मन नहीं, अब क्या करें लोगों का, पगलों की हम क्या बात करें, ये लोग क्यों कहता है इसकी क्या पूछते हो, अमरचंद भी जब से फिचर होते आ रहे हैं कि ये लोग मुँह में कहते हैं, मुँह में कहते हैं कि मैंने बनाई है ना, मैं तो नहीं बनाई, टोडरमल जी कहते हैं, प्रवचन सार में कहते हैं, समय सार में कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। तो अपन आत्मख्याति का अर्थ कर रहे थे, आत्म अपनी प्रसिद्धि, अभी बोलो हमें आत्मख्याति करना है ना, आत्मख्याति पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ये आत्मख्याति, आत्मख्याति कौन सी है, है ना, आप जानते हो एक किताब है इसमें आत्मख्याति को छांट सकते हैं आप, बोलो आत्मख्याति कौन है, पूरी आत्मख्याति है कि पूरा समय सार है, क्या है,
कि ज्ञायक भाव प्रबोधनी है, कि तीनों हैं कि तीनों नहीं हैं, क्या छान सकते हो? डॉक्टर साहब एक एक पेज में मिक्सचर है, एक गोर खाओ कोई भी खाद्य पदार्थ का तो उसी में नमक है, उसी में मिर्ची है, उसी में जीरा है, उसी में सब चीज़ें हैं मिक्सचर। और क्या है? जीरा, नमक, मिर्ची, हरी, और क्या है? हैं? आटा वगैरह भी उसमें सर। और क्या बना हुआ? अरे भाई उसमें गर्माहट भी है, ठंडी हो जाए तो तुम खाते नहीं हो, क्यों? तुमको गरम गरम चाहिए ना, तुम गर्माहट को भी खाते हो, नहीं तो फेंक देते हो। ये कोई नहीं कहने वाला है कि उसमें आग है ना आग, बोलिए। आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर की चाहिए। सोचा कितनी चीजें मिली हैं और तुम अपने नाम पर ठोके जा रहे हो। वो ये कहते हैं कि ये आत्मख्याति, तो आत्मख्याति का अर्थ तो समझ लो, अपन तो कहते अपने आत्मी प्रसिद्धि, अपन हिंदी में किताब लिख का नाम लिख दिया आत्म प्रसिद्धि, क्यों आत्मसिद्धि के आत्म प्रसिद्धि। ये आत्मख्याति का अर्थ आत्म प्रसिद्धि है, सिद्धि नहीं, समझ में ना। तो आत्मा की प्रसिद्धि माने क्या? हम अपनी प्रसिद्धि करना चाहते, अपने आत्मा की प्रसिद्धि करना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं कि हमने 10,00,000 रुपया दान में दिया, तो क्या करते हैं अखबार में नाम छपाते हैं, फोटो छपाते हैं, किसका? कि जिन जिन को दिया है उनका छपाते हो कि तुम अपना छपा? सच बोलो, विज्ञापन दे गए, तुमने जिसको वो पैसा दिया है उसे उसका फोटो छपाते हो कि अपना छपाते हो? और जो देखता है क्यों उसका छपाते हो? हम अपना, यानी हमने इसे आत्मा माना जिसका फोटो छपा है, और उसको जगत जाने, और उसको हम आत्मख्याति समझते हैं, उसको हम अपनी प्रसिद्धि समझते हैं। लाखों रुपए हम इस पर इसलिए खर्च करते हैं, करते कि नहीं करते? अब मामला पलट गया। एक कहते हैं कि दुनिया तुम्हें जाने, ये नहीं, दुनिया जाने नहीं, तुम जानो कि किसे हम जानते हैं। यदि हम जानेंगे तो किसी दूसरे को जानेंगे, वो जानेगा तो हमें जानेगा, तुम हमें देखोगे हम तुम्हें देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम तुम्हें देखो हम हमें देखें, नहीं हो सकता है। क्यों मोटा नहीं? अच्छा नहीं, चलो कर लेंगे, निमट लेंगे बाद में, लेकिन कर क्या सकते हैं? सोचना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। भगवान आत्मा में एक परिणम में परिणाम के तो नाम की शक्ति है, उसका मालूम काम क्या है? कि वो आत्मा दूसरों को जाने और खुद को जाने, और दूसरों के द्वारा जाना जाए और खुद के द्वारा जाना जाए, ऐसी चारों तरफ से शक्ति है, शक्ति की कोई कमी नहीं है। इस पर मत लड़ो कि हम दूसरे को जान सकते नहीं जान सकते, दूसरा हमें जान सकता है नहीं जान सकता। अरे तुम तुम्हारे को भी जान सकते हो, दूसरे को भी जान सकते हो, और दूसरा भी तुम्हें जान सकता है, और दूसरा दूसरे को जान सकता है, वो तो सब है। अब तुम तो अपनी बात करो, तुम्हारी इच्छा क्या है? अभी तुम इस पर ही लड़ रहे हो कौन किसको जानता है, पर वो जानता है कि नहीं जानता। उनने कहा ऐसी शक्ति है, अकेली शक्ति नहीं है, शक्ति उसका नाम है जो प्रयोग में आए, जो कभी प्रयोग में नहीं आया उसका नाम शक्ति नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक आदमी ने कुत्ता पाला, कुत्तिया समझ गया ना, कुत्ते का स्त्री लेंगे जो भी समझ लो, पाल रखी थी, दुबली पतली थी बहुत, तो लोग मजाक उड़ाते थे, कह रहे तुम्हारी कितनी दुबली पतली है, कुत्ती की कितनी दुबली पतली, तुमने पाली भी तो कितनी दुबली पतली, क्या तुम समझते क्या हो? मेरी एक कुत्ती चाहे तो शेर को टोर खाए, ये बुंदेलखंडी भाषा है, शेर को भी ये मसल के खा जाए,
शेर को टोर खाए, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी सी कि हाँ एक आज शेर को टोरा है क्या? नहीं, अरे टोरा भी नहीं है और टोरेगी भी नहीं, अहिंसक जो है ऐसी शक्तिशाली नहीं है। ज्ञान शक्ति हम में है तो वो जाने, निरंतर जानने रूपण में तो ऐसी है, मैंने कोरी शक्ति नहीं है, और सौर पर को तो सौर पर दोनों को जाने निरंतर, और सौर पर दोनों के द्वारा जानी जाए ऐसी शक्ति है, है? तो ये कहते हैं, कहते हैं वस्तु में शक्ति क्या है, जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह समय माने आत्मा की व्याख्या माने ख्याति, माने समय की व्याख्या माने आत्मख्याति, आत्मख्याति नामक टीका ये भी उन्हीं शब्दों ने करी जिनमें ऐसी शक्ति है कि स्व पर को वो जाने, उन्हीं शब्दों ने लिखे टीका करी है। फिर निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का, ये मैंने नाम नहीं लिखा है, ऊपर खुद अमृतचंद ने लिखा है, पढ़ो, कर्तव्य मेवा अमृत चंद्र सूरे, लिखा ना अमृत चंद्र सूरे, अमृत चंद्र सूरी ने, अमृत चंद्र सूरी का, सूरे है ना षष्ठी का एक वचन, अमृत चंद्र आचार्य का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया, उनने तो इतना माना था, किन्ने टोडा मल जी ने, ज्ञान रागे तो मेरो मिलो है? इतना माना था या नहीं? लेकिन ये तो ये कह रहा है कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान और राग भी मेरा नहीं है, राग तो मेरा है ही नहीं वैसे ही पर है, और वो जो ज्ञान थेउपशम ज्ञान जगत में उलझा ज्ञान वो भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, कुछ नहीं है, अमृतचंद्र सूरि का ये कुछ नहीं है। कौन कौन से अमृतचंद्र सूरि का, कौन बंबई वाले या राजकोट वाले, कौन कौन से अमृतचंद्र सूरि, वे विद्यावारिधि कचारत चक्रवर्ती, कौन से अमृतचंद्र सूरि, देखो लिखा है इसमें, उनने अपने को एक उपाधि दी थी, दूसरे लोग तो दुनिया देती है, उन्हें किसी ने दिया ही नहीं, तो उनने अपने सामने लिखी, क्यों ये बाल ब्रह्मचारी की उपाधि कौन देता है, हेमचंद जी जैसे अपने आना सामने लिखने लगते हैं, तुम कोई डर नहीं ना इसलिए तुम्हारा नाम ले सकता, क्यों कौन देता है, कोई यूनिवर्सिटी देती है, कोई डिग्री देती है, क्या है, किसने दी, क्या दी, कभी कभी तुम्हें याद दिलाता हूँ हेमचंद जी कि भाई ये बाल माने होता क्या है, एक तो जी भाषा के बाल होते हैं जानते, और एक बाल वृत होते हैं, एक बाल तप होते हैं, होते ना है? तो वे अज्ञानियों के तप, मूर्खों के तप, उन्हें बाल वृत कहते हैं, बाल तप कहते हैं, जानते हो ये कौन सा बाल है, मैं तो समझे बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन उसका डिक्शनरी तो खोलो अरे वो बाल में लिया होता तो तुमने कुछ सोच समझ के लिया होता, और तुमने वो उसका मतलब उसका फल भी, तुम तो कुछ जानते ही नहीं थे, तब से ब्रह्मचारी हो, कि ब्रह्मचारी क्या है, क्यों क्या किया, कि ब्रह्मचारी क्या लिया बताओ तो, किसने दिया, क्या लिया, इसे लेने देने को कुछ है ही नहीं, हमने कह दिया दिया और तुमने कह दिया लिया, हमें तो लेते देखते हुए कुछ दिखाई नहीं, क्या लिया है क्या दिया है,
देखो निज रूप में ही गुप्त, उनने अपनी उपाधि रखी तो उनने क्या रखी, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र। देखो संस्कृत में लिखा है स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति, स्वरूप में गुप्त जो अमृत चंद्र है उसका कोई काम नहीं है। ये राग देश वाले अमृत चंद्र का हो तो हो, मैं नहीं जानता, तो वो मैं नहीं हूं। स्वरूप में गुप्त अमृत चंद्र ऐसी होती ना, हरे अपन कैसे ब्रह्मचार्य कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद की बात है, कुंद कुंद की नहीं, कुंद कुंद बालक भी हो सकते हैं, छोटे भी कुंद कुंद होंगे कि नहीं होंगे, भगवान महावीर की बात है, राजकुमार महावीर की बात नहीं है। तुम कहते हैं किसका कुछ नहीं है, जो लिखा है कि अमृतचंद्र ने बनाई है वो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र नहीं है, वो कोई और दूसरा, वो लिखने के राग वाला अमृतचंद्र है। वही टोटल जी ने कहा ज्ञान और राग मेरा मिला, वो अपने को कहते हैं मेरे, मैं तो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र हूँ, मुझे तो अपने आत्मा में गुप्त रहना चाहिए, मैं तो अपने आत्मा में गुप्त ही हूँ, मेरा स्वभाव अपने आत्मा में गुप्त रहना है। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र से स्वरूप वे गुप्त अमृतचंद्र, इसमें निज रूप इसमें ही गुप्त लिखा ना, उस मूल इसमें तो स्वरूप गुप्त लिखा, अपने स्वरूप में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, उसमें गुप्त माने लीन, छिपा हुआ नहीं, गुप्त माने छिपा हुआ भी होता है, उसमें लीन, ऐसे अमृत माने शुद्धोपयोगी, माने शुद्धोपयोगी अमृत चंद्र का कुछ भी काम नहीं है। जब वो लिख रहा था तब शुद्धोपयोगी नहीं था, और जब शुद्धोपयोगी था तब लिख नहीं रहा था, हमने तो देखा कि लिखते लिखते आत्मा में चले गए और आत्मा में से आए तो फिर लिखने लगे, यही देखा ना तुमने, तो फिर स्वरूप गुप्त कहाँ लिख रहा था, लिखते लिखते अंदर चले गए तो फिर लिखना बंद हो गया, बंद हो गया, और फिर बाहर आए फिर लिखने लगे, तो देखो स्वरूप गुप्त का तो कोई काम नहीं रहा ना, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कुछ भी काम नहीं है इस आत्मख्याति में, अरे कुछ भी नहीं, कर्तित्व है, मैं इसका करता हूँ, ये बात एकदम गलत है। और प्रवचन सार का जो छंद है अंत में, उसमें लिखा गया हे शिष्यो ऐसा कहकर कि मैं इन्हें एक किताब बनाई है, मैंने ये तत्व प्रदीप का नाम की टीका लिखी है, ऐसा कह के तुम मोह में मत नाचो, ऐसा तुम्हारा कहना ये मोह में नाचना है, तुम मुझसे राग करते हो ना, तो तुम्हें बहुत सी चीज़ों का करता बता दो, तुम्हें बड़ा आदमी हो जाऊंगा ना, इतनी किताबें लिखी, इतना ये किया, इतना ये किया, अरे ये छोटा होने की बातें हैं, ये बड़ा होने की बातें नहीं हैं, ये राग लिखने के राग वाले मोक्ष नहीं जाते हैं, उन्हें तो शुभ का बंध होता है, उन्हें तो पुण्य का बंध होता है, तो वो इतना एक टीका लिखने के बाद ऐसा लिखते हैं, फिर वो कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो हम तो अमृतचंद्र की समझ कर इसे पढ़ते थे, तो कल से नहीं पढ़ेंगे, अमृतचंद्र की तो है ही नहीं, समय सार कुंद कुंद का नहीं है, क्यों? तो कहते हैं कि वो प्रमाणिकता की जब बात आएगी तब आपको वो व्यवहार न लगाना पड़ेगा, वो भी ऐसा सभी झूठ नहीं है कि ऐसा उड़ा दिया तुमने, क्यों? वो एक नए है, वो भी बहुत बड़ा जबरदस्त है, क्या उससे ये लिखा है, वे खुद मम मम क्षमतव्यम, मैंने ये किया है, तुम लिखना, मैंने ये काम किया और इसकी टीका करी और जैसा लिखा, सब ऐसा भी लिखते हैं, ये सब लिखा क्या नहीं लिखा, हाँ हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वो जो स्वरूप गुप्त है तो हम कहें कौन से निश्चय न ऐसे, तो हम कहते हैं स्वरूप गुप्त निश्चय नहीं, क्यों स्वरूप गुप्त में निश्चय ही नहीं लगता, हम कह रहे हैं क्या,
वो विभाने उसमें लगते ही नहीं है, क्योंकि विभाने से तो अमृतचंद्र है, ये स्वरूप गुप्त तो निश्चय ऐसे है, समझ में आए? क्यों जब शुद्ध निश्चय ने लगाया तब तो इसका नाम स्वरूप गुप्त पड़ा उस समय, इसलिए वहां को न लगेगा ही नहीं कि हम लगा देंगे, तो तुम तो चाहे जहाँ चाहे तो कुछ लगा दोगे, तो विधि होना आना चाहिए ना उसे लगाने की, कि कहाँ क्या कैसा लगाया जाता है, क्या कैसे नहीं लगा सकते, आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, चाहे जहाँ लगा देगा क्यों? कहते नहीं, वो स्वरूप के प्रतिपादन में ही निश्चय नहीं लगता है, तो ये स्वरूप नहीं है, ये किताब लिखना मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, हमने ये ढेर सारी चीज़ों को अपना काम गिन रखा है, और वो इतना महान काम करने के बाद में उससे इनकार कर रहे हैं, क्या उसी वक्त जब लिख के ख़त्म की और उसके कहते मेरा कोई काम नहीं है, मैं ख़त्म, तो फिर भैया संभाल के कौन रखेगा कल से? मुनिराज को कोई चिंता होती है? इतनी बढ़िया चीज़ लिखी और लिख कर के वहीं जंगल में छोड़ दी ताड़पत्र पे, और ताड़पत्र उड़ गए, तो उन्हें रंच मात्र भी विकल्प नहीं आता कि मैंने इतनी मेहनत करके लिखी थी, उड़ गई उड़ गई उड़ गई, मेरे का मेरा कुछ है ही नहीं है? और अभी आपका तो इतना कागज का टुकड़ा हो ना, इतना इस तरफ लिखा हो इधर से इतना फाड़ के इतना फाड़ के इतना फाड़ के ऐसे संभाल के रखते हैं कि कुछ आएगा तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, नोट करना पड़ेगा तो नोट कर लेंगे, ऐसे लोग भी आपको कागज इतना सा कागज का टुकड़ा, हम तो गांधी जी के चेले हैं ना, इसके लिए गांधी जी का चेला बन गया, और दुनिया भर की चीज़ें बर्बाद करने के लिए, करोड़ों रुपया बर्बाद करने के लिए पानी की तरह, तो तब गांधी जी का चेला नहीं बना है? सूट क्यों सूट पहन क्यों पहने, बोलो छद्र लंगोटी लगाओ, गांधी जी के चेले हो ना, यहाँ इतना इतना परिग्रह जोड़ता है आप समझ रहे कागज का, और उसने समय सार जैसी चीज लिखकर वो ताड़ पत्र में जंगल में छोड़ दी, ये तो हमारा महाभाग्य था जो हमें प्राप्त हो गई, और न मालूम ऐसे कितने समय सार लिखे गए होंगे, और आचार्यों ने लिखे होंगे, कितने ज्ञानी धर्मात्मा होंगे, और भी ऐसे ही उड़ गए, हमें नहीं है तो नहीं है, ये तो हमारा महाभाग्य था तो हमें मिल गया, जिसका भाग्य था उसे मिल गया, और नहीं है तो नहीं मिला। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं कि उनके बीच में ये सब बातें होती रहती हैं, और वे शांति से अपने सोते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, अपने पिताजी को अम्मा जी को लाते हैं यहाँ ला के कुर्सी पर बैठा देते हैं कि आप प्रवचन सुनो, फिर बेजा के नीचे सो जाते हैं, और फिर एक घंटा का अलार्म लगा देते हैं, फिर अम्मा जी को लेने जाना तो फिर प्रवचन ख़त्म हो जाता तो ले जाते हैं, एक घंटे में उनने कुछ और कुछ किया नहीं है, वो बम्बई से इसलिए ही आए हैं अम्मा जी को प्रवचन सुनाने के लिए, भाई यहाँ 24 घंटा रहेंगे, समय काटेंगे बहुत मुश्किल से, क्यों वो नहीं सुन, क्या करें, कि हर एक को थोड़ी मिलता है, महाभाग्य से मिलता है, जिसको ये महाभाग्य से मिल गया है, ये ऐसा अमृत है, ऐसी महान चीज़ है कि उसे पाकर जिस अभागे ने अपना मनुष्य यूं ही गंवा दिया, उसने कितनी बड़ी निधि गमाई है इसकी कल्पना उसे नहीं है, सब इसकी महिमा को समझें और इसको गहराई से अध्ययन करके आत्मा का कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना से। जो भव्यात्मा इस समय प्राभृत को पढ़कर और इसे अर्थ और तत्व से जानकर अर्थभूत शुद्धात्मा में ठहरेगा, वो उत्तम सौख्य स्वरूप हो जाएगा। मिथ्या तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप पर भास विको भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है, अनुभव बताय विको जीव के जताय विको काहुन सताए विको भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार विको